नमस्कार बच्चों, मैं सपना त्रिवेदी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पेंडियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज के माध्यम से एक बार आप सभी का रिवीजन ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, समाज कार्य कर रहे होंगे और शासन द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे। चूंकि अभी जो आंकड़े आपको दिन प्रतिदिन पता चल रहे हैं और अभी ये जो चेन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, सबसे जरूरी है कि इस रिस्पांसिबिलिटी को कम करना और पूरी तरीके से स्वस्थ रहना ही आपकी खुद की रिस्पांसिबिलिटी है। इसीलिए समाज कार्य तो कर ही आप रहे हैं तथा आसपास के लोगों को भी आप अवेयर करिए कि वो साफ सफाई में पूरी तरीके से ध्यान दें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, घर का वातावरण भी है वो स्वच्छता की ओर आप चलाते रहिए, सोप है उससे आप धोते रहिए, हैंड वॉश जो भी आपको अवेलेबल हो घर पे उस प्रकार से करिए तथा ज्यादा ज्यादा लोगों से कम मिलिए, 1 मीटर की दूरी का उपयोग करिए। जब आप इन चीजों को अपनाएंगे तभी आप इस चेन को धीरे धीरे कम होते रोक पाएंगे तथा आपको भी देख के लोग अवेयर होंगे और अवेयर होने के साथ वो भी आप जनहित के साथ तहत ही लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करेंगे। आज आपके हम सब्जेक्ट MSW 4 सेमेस्टर की बात कर रहे हैं और हम साइकेट्रिक विषय की आज हम बात करेंगे और जो आज का टॉपिक है वो आपका है थॉट। मतलब होता है चिंतन, मरण, स्मरण, जो हम मंथन करते हैं अपने मस्तिष्क में। चूंकि साइकेट्रिक एक ऐसी जो आपका मनोविज्ञान सब्जेक्ट रहा है वो एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है, वो एक ऐसा विषय है जहाँ पे हमको दवाइयों से ज्यादा जरूरत होती है लोगों को समझने की, लोगों को प्रेम दिलाने की, उनसे भावनात्मक जो संबंध है वो स्थापित करने की। क्योंकि कभी कभी समाज में ऐसी जो प्रॉब्लम्स है अक्सर ही देखने को मिलती है जहाँ पे व्यक्ति तो स्वस्थ होता है लेकिन वह किसी न किसी कारण से परेशान रहता है और चूंकि अपनी बातों को पूरी तरीके से ना कहने के पाने के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है तथा यह जो समस्या होती है वह आगे चल के एक बड़े विकार के रूप में उत्पन्न हो जाती है जिसमें उसमें कई सारे जो उसका जो रिजल्ट होता है निगेटिव होता है और तथा इस निगेटिविटी को देखते हुए वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि किस समय पर चलते चलते हुए समस्याओं से, इस मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो गया है। इसीलिए मनोविज्ञान का जो पूरा प्रयास रहता है कि कारण अगर हुआ है उत्पन्न तो अगर शुरू में उसकी रोकथाम कर दी जाए या फिर उसका बेहतर ट्रीटमेंट कर दी जाए तो समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसीलिए कभी भी इसके लिए कुछ ऐसा सिम्टम्स हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि जिसके आप मिलान करके, कंपैरिजन करके आप ये बता सकते हो कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। क्योंकि आज अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने यह रिसर्च किया है, रिसर्च के थ्रू बताया है कि भारत में 1% जो आबादी है वो आज मानसिक रोग से पीड़ित है, गंभीर मानसिक रोग से, और पूरे भारत में 10% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक मानसिक रोग से ग्रसित है। मतलब समस्या काफी ज्यादा तो डीपली नहीं होती है, समस्या काफी ज्यादा तो गंभीर नहीं होती है लेकिन स्वस्थ व्यक्ति में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जहां वो किसी न किसी चीजों का शिकार हो जाता है। क्योंकि आप पिछले जो आपको हम अभी भी क्लासेस के माध्यम से बता चुके हैं कि अपन किस तरीके से व्यक्ति के मन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में क्रिएट होती हैं जिसके माध्यम से उसको एक काउंसलर या फिर उसको संगम लगता है कि हमको एक साइकेट्रिक की जरूरत है। मनोविज्ञान में भी इसका निवारण पूरी तरीके से है। आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चिंतन, चूंकि बिहेवियर जो हमारा बिहेवियर होता है वो एक बहुत जरूरी होता है हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अगर हम बात करें आपका व्यवहार, सबसे पहले आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व की पहचान होता है। अगर आपका व्यवहार सकारात्मक है तो स्वाभाविक है आप अपने व्यवहार से सामाजिक व्यवहार को बेहतर स्थापित ही कर पाते हो तथा जो आपका मन का जो वातावरण रहता है वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहता है तो किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति
तो स्वस्थ होता है लेकिन आसपास में ऐसे निगेटिव चीजें देखता है जिसको जब ज्यादा वो डीपली सोच लेता है और उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो आपका चिंतन है, जो हम थॉट है, हम सारी समस्याओं को देखते हैं और सारी समस्याओं को देखते हुए अपने मन में हम एक ऐसे विकार को उत्पन्न कर लेते हैं जहाँ पे हमको कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो जब अपन चिंतन करते हैं और इसी चिंतन को अपन सबसे पहले अपने मन में बिठाते हैं और इसी मन में जब अपन किसी भी चीजों को बिठाते हैं तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब अपन की हद से ज्यादा किसी चीजों को सोचते हैं और टेंशन लेके चलते हैं तो इसका साथ हमारे बिहेवियर, हमारे व्यक्तित्व और हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप अगर यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड पे तो यहाँ पे दो प्रकार से व्यवहारों को हमने बताया है। सबसे पहले है आपका नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर। क्योंकि साइकेट्रिक में नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार से ही सारी चीजें उत्पन्न होती है और व्यक्ति व्यवहार से अपनी सारी चीजों को सीखता है और समझता है। कभी कभी आपने देखा होगा समस्याएं तो जो हमारी होती हैं वो समाज से उत्पन्न होती हैं और समस्याओं को चलाने वाला भी और उत्पन्न करने वाला ही मनुष्य होता है। पशु पक्षी समस्याओं को निकालना जानते हैं क्योंकि वो बेजुबान होते हैं और बेहतर तरीके से अपना कम्युनिकेशन डेवलप करके वो चीजों को मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन जो आज की जो समय है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और इसी समय के अनुसार हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है जहाँ पे एक ऐसा कॉम्पिटिशन डेवलप्ड हो जाता है सोसाइटी पे जहाँ पे लोग एक दूसरे से जलन, द्वेष, ईर्ष्या, कुंठा, क्रोध तथा ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तथा जब अपन ये सारी चीजों को नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको गिराने की फिराक में लग पाते हैं और सामने वाले का मन डायवर्ट हो जाता है और उसका जो व्यवहार होता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। क्योंकि जो आज का समय है वो कॉम्पिटिशन का है और कॉम्पिटिशन भी बहुत आगे जा चुका है जहाँ पे अगर हमें सामाजिक प्राणी के होते हैं साथ साथ अपना हम फ्यूचर भी सिक्योर करते हैं जहाँ पे हमको बहुत लोगों से दिन प्रतिदिन मिलना पड़ता है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं तथा बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। जिस प्रकार आप विद्यार्थी जीवन हो तो विद्यार्थी जीवन में थकने से अभी आपने सोचा कि लॉकडाउन तो स्टार्ट हो गया, हमारे एग्जामिनेशन कैसे होंगे, अभी तो आपका फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट वर्क की ट्रेनिंग भी बची हुई तो हम किस प्रकार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने इन चीजों को ज्यादा डीपली सोचा होगा तो आप अपसेट हो गए होंगे। लेकिन जब इन चीजों को आपने कूल माइंड से सोचा होगा तो आपने ये जरूर सोचा होगा जब जितनी ज्यादा चिंता आपको है उससे कहीं ज्यादा चिंता आपके महाविद्यालय को हो है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो महाविद्यालय की जो शाख होता है वो विद्यार्थी होता है। क्योंकि महाविद्यालय आपसे ही मिलकर पूरी तरीके से बना होता है और हमारी ड्यूटी रहती है प्रबंधन की कि हम आपको बेहतर फैसिलिटी इस निगेटिव सिचुएशन में भी आपको हम प्रोवाइड करवा पाए। इसीलिए आज हम यहाँ पे जो आपका व्यवहार है वो एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर से कन्वर्टेड है। क्योंकि जिस प्रकार जब सिचुएशंस होती हैं समाज में तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हम सारी चीजों को डेवलप्ड कर पाते हैं और अपने उसी पे डेवलप करके अडॉप्ट करके अपने हम जो बिहेवियर है वो हम कन्वे कर पाते हैं अपनी पर्सनैलिटी पर। तो यहाँ पे हम आपको SR, STM और LTM के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये मेमोरी पे भी सटीक बैठता है और कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे भी। जो हमारी सेकेंडरी जो मेमोरी है, जो हमारी सेकेंडरी रिसोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं जो चीजों को हम सीखते हैं और चीजों को अडॉप्ट करते हैं। एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो चीजों को सुनता है और समझता है फिर अपने हिसाब से वो आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है उन चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है STM और LTM। STM का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और LTM का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब से जितना से ज्यादा हम चीजों को सोचेंगे और अपने मन में उतना ही ज्यादा अगर हम लेके चलेंगे तो हमको कहीं ना कहीं समस्याएं हमारे लिए एक छोटी समस्या बहुत बड़े विकार में उत्पन्न हो जाएगी तथा या कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में बैठकर हमारे मनोवृत्ति को भी प्रभावित करेगी और इसी प्रभाव के कारण हम जो समाज में जो हमारा व्यवहार होता है वो बहुत ज्यादा उत्पटांग तरीके का हो जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब अपन कहीं भी ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं, चौपाल पे लोगों के बीच में बैठते हैं तो अक्सर हम नॉर्मल चीजों के बारे में हम बात करते हैं, मतलब नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, किस प्रकार चल रहा है,
देश विदेश के बारे में बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर करते हैं, अपने ड्यूटीज को लेकर करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कभी आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो नॉर्मल बात करने पे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो देख कर लगता है कि व्यक्ति का भी नॉर्मल इस तरीके का बिहेवियर वो क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे मनोवृत्ति और मस्तिष्क का ही कारण है, जहाँ पे हम चीजों को ना समझ पाके हम अपनी चीजों को बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं, और यही जो हमारा फर्क होता है वो हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। तो इसी से हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि साइकेट्रिक के थ्रू किन चीजों को हमारे समाज में इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज हम यहाँ पे जब हम बिहेवियर की बात करें तो सबसे जरूरी होता है अपने व्यक्तित्व को समझना, और व्यक्तित्व को समझ कर तो आप अपनी चीजों को बेहतर तरीके से करिए, स्वस्थ रहिए, और तथा अपने जो आपका बिहेवियर है उसको आप अपने जो मस्तिष्क की जो चीजें हैं, विकार हैं, उनको इतनी ज्यादा हावी मत होने दीजिए ताकि आपको आगे चल के वो प्रॉब्लम हो। तो आज आपके जो आपका ये जो टॉपिक था उसमें केवल कंक्लूजन यही निकलता है कि आपकी जो भी बातें होती हैं वो सोसाइटी से ही होती हैं, और सोसाइटी से ही स्टार्ट होकर सोसाइटी पर ही खत्म हो जाती है। तो चीजों को सबसे ज्यादा है पॉजिटिव वे में लेना। अगर हम जितना ज्यादा चीजों को डीपली सोचेंगे वो निगेटिविटी उतनी ही हावी हो जाएगी। इसीलिए साइकेट्रिक के थ्रू आप यह जान सकते हो, लोगों को अवेयर भी कर सकते हो मनोविज्ञान माध्यम से, कि जब कभी भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उसको हम बड़ा पॉजिटिव वे में हम अडॉप्ट करें। उम्मीद है आज आपको यह चैप्टर